नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज कैप्ट रेस्ट एट अ हाइट ऑफ थ्री आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम इज मास ऑफ अर्थ द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक इज और अपने को दिया हुआ है छोटा जी इज एक्सोलेशन टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो इस बार हम लॉन्च जो कर रहे हैं हमें चाहिए एस्केप वेलोसिटी लेकिन इस बार हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ से नहीं कर रहे हैं हम इस बार इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक सेटेलाइट से तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगर आपको फॉमूला ना पता हो तो इंटरेस्टिंग हो जाता है उसको हम चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं इट हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स लेकिन ये अगर आप प्लेनट से एस्केप बेलासिटी की बात करेंगे वो उसकी वैल्यू आती है ट्वाइस जी एम डिवाइड बाई आर ये आपकी एसके वेलोसिटी की वैल्यू है अगर तो ये एसके वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बतानी है तो आर की वैल्यू हो जाएगी छोटे आर की वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ लेकिन अगर ये किसी सेटेलाइट से है तो इस आर की वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट जो भी अपनी हाइट जहाँ से भी आपका सेटेलाइट है और आपको पार्टिकल थ्रो करना है सो so, सिंपल सी बात है इसमें बस डेटा रखना है तो वी की वैल्यू आ गई अंडर उट ऑफ ट्वाइस जी डिवाइडेड बाई आर आर रेडियस ऑफ अर्थ है और एच यहाँ पे अपने को दिया हुआ है थ्री आर हालांकि सो ये हो गया नीचे फोर आर हो जाएगा सो दिस विल बी सो इसकी वैल्यू हो जाएगी जब हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी ट्वाइस जी एम डिवाइडेड बाई फोर आर सो आज भी फाइनल आंसर बेलॉस्टी ऑफ एस्केप फ्रॉम दैट सेटेलाइट हो गए जी एम डिवाइड बाई टू आर सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस